चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातु ना पलना वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन इश्क बतावे पार के पार इसके नेह चल घर दातार इश्क होय ना नया पुराना नई ठोर ना आवत आना नई ठोर ना आवत आना इश्क साहेब सो नहीं अंतर प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस परिक्रमा ग्रंथ में प्रेम क्या है, प्रेम को अरबी में इश्क कहते हैं, इसकी व्याख्या की है। ये परिक्रमा ग्रंथ के पहले लिखा है श्री किताब इलाही दुल्हन अर्ज अजीम की। इसको इलाही दुल्हन कहा है, अखंड दुल्हन, अखंड अर्धांगनी। ये इस परिक्रमा ग्रंथ में क्या है, 25 पक्षों का वर्णन दर्शाया गया है। और 25 पक्ष क्या है, राज्य के हृदय का व्यक्त स्वरूप ही 25 पक्ष है। हौज कोसर है, मानिक पहाड़ है, पुखराज है, 24 आंस का महल है, रंग महल है, सब कुछ, आठों सागर क्या है। राज्य के हृदय में जो प्रेम का बहता हुआ रस है वही व्यक्त रूप में इन लीला रूप पदार्थों के रूप में दिख रहा है। इस दुनिया के पहाड़ की तरह हौज को, ये मानिक पहाड़ को नहीं समझना चाहिए या पुखराज को नहीं समझना चाहिए। न तो वहाँ थंबे हैं, न दीवाले हैं, न वृक्ष हैं, सब के रूप में क्या है, जिमी जात भी रूह की रूह जात आसमान, सभी लीला रूप में आत्मा के स्वरूप है। जैसे मूल मिलावी में सखियाँ बैठी हैं उसी तरह से पुखराज पहाड़ भी सखी रूप में है, आत्मा रूप में है। वहाँ की धरती, वहाँ का आकाश, यमुना जी, सभी आत्मा रूप है। वृक्ष भी आत्मा रूप है, एक चित्र भी रह जाता है, पशु पक्षी भी रह जाते हैं, और उनके रूप में कौन क्रीड़ा कर रहा है, केवल राज्य। हम माया के जिस झूठी दुनिया में बैठे हैं उसमें इसके बिना काम नहीं चलता कि हम परम धाम की व्याख्या कर सकें। इसलिए बताया गया है कि यमुना जी पुखराज से निकलती हैं और हौज कोसर में 16 देवी के घाट से होते हुए समा जाती हैं। ऐसा नहीं कहेंगे तो उस प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए पहली चौपाई शुरू होती है, अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्द अतीत साक्षात। इश्क को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ना ही कितनी इश्क की और कोई कथी हो जिन। इश्क तो आगे चल गया, शब्द समाना सुन। हम दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोलते हैं, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी कह लीजिए, ये सभी नस्वर शून्य निराकार से पैदा हुई है और इनकी अंतिम गति शून्य निराकार ही है। अक्षरातीत को कभी भी किसी भाषा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन हम कर्मकांड की दुनिया में आए हैं तो हमसे रहा नहीं जाता। हम राज्य को भी बंधनों में बांधना प्रारंभ कर देते हैं कि राज्य का क्या नाम है, केवल एक ही नाम है, मूल नाम क्या है, श्री कृष्ण। ये विवाद का विषय बना देते। अभी आपने चौपाई क्या सुनी, इश्क साहेब सो नहीं अंतर, प्रेम में और राज्य में कोई अंतर नहीं है। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कोई भी मंत्र आपको भवसागर से परे ले जाकर के अखंड की पहचान नहीं करा सकता। ज्ञान आपकी पहचान कराता है। आज ज्ञान का युग है, ज्ञान सत्य को दर्शाता है। सब सुंदर साथ के लिए आज खुशी की एक विशेष बात यह है, आपको विदित होगा कि पिछले वर्ष
दिसंबर मास में, पिछले वर्ष नवंबर दिसंबर में, 18 नवंबर या दिसंबर को 133 भाषाओं में, उस समय 108 था, अब 133 भाषाओं में वाणी और बीतक की टीका प्रकाशित की गई थी। और आज दीपावली की पूर्व संध्या पर 70 भाषाओं में यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी कि आप 70 भाषाओं में, अरबी, फारसी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जिस भाषा में चाहें, गुजराती में, नेपाली में, पंजाबी में, मराठी में, किसी भी भाषा में आप रात से क़यामत नमाज की टीका सुन सकते हैं। ऑडियो अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं, लैपटॉप पर सुन सकते हैं। आज ज्ञान क्या युग है, पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। आज के युवा पीढ़ी को मैं विशेष रूप से यही संदेश देना चाहूँगा कि वो ज्ञान को ग्रहण करें। हो सकता है जो पुरानी पीढ़ी के सुंदर साथ हैं, उनके सामने अहम का पर्दा होता है, वो सोचते हैं कि हम अब तक जिस मान्यता में जी रहे थे उसको बदले कैसे। लेकिन नई पीढ़ी के सामने तो ये कोई बंधन नहीं है, नई पीढ़ी के लिए सुनहला अवसर है, वह ज्ञान का प्रकाश लेकर सारे संसार में फैलाए। उसका कोई रशियन दोस्त है, चाइनीज दोस्त है, जापानी है, उसको उस भाषा में पूरी वाणी की टीका दे सकता है, बीतक की टीका दे सकता है। देने की भी जरूरत नहीं है, वो तो SPJN की वेबसाइट में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। आप जिस भाषा में, आप बुजुर्गों के लिए भी ये सबसे बड़ी अच्छी घड़ी है कि जो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी आँखें काम नहीं करती हैं, तो रात से क़यामत नमा तक की टीका और भविष्य पुराण में राजा कहें जुगचार से लेकर बीतक की अंतिम चौपाई तक की व्याख्या 70 भाषाओं में कोई भी सुन सकता है, जिसकी आंखें काम नहीं कर रही हो। तो आज के युग में यदि जब शब्दों के ऊपर विवाद खड़ा होता है तो बहुत हंसी आती है। राज्य कर्मकांडों से परे हैं, बंधनों से परे हैं, हम तो बंधनों में बांध रहे हैं कि नहीं, राज्य का एक ही नाम हो सकता है, कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। हम तर्क देते हैं कि देखिए शिवा पूजा में लिखा है श्वास श्वास निज नाम जपो, और निज नाम क्या है सबको मालूम है, क्या कहते हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकि सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। ये चौपाई क्या कह रही है, निज नाम जाहिर हुआ, नाम का अर्थ क्या होता है, पहचान, जैसे कहते हैं उनका नाम फैल गया। नाम फैलने का तात्पर्य क्या है, जैसे एक ही गांव में दो व्यक्ति रहते हैं, दोनों का नाम मान लीजिए कि मोहन है, एक मोहन सत्यवादी है, धर्मात्मा है, बहुत विद्वान है, अच्छे कर्म करने वाला है, और एक उसी नाम वाला व्यक्ति शराबी है, दुराचारी है, चोर है। तो एक को पूरा इलाका जानता है, कई जिलों के लोग जानते हैं, और एक को नहीं जानते। नाम तो दोनों का एक है लेकिन आचरण दोनों का अलग है, इसलिए एक का नाम फैल गया, तात्पर्य क्या है, उस नाम में उसकी महिमा छिपी है, उसकी पहचान छिपी है, उसके गुणों की का वर्णन छिपा हुआ है। उसका नाम फैलने का तात्पर्य क्या है, पूर्ण पहचान। पूर्ण पहचान में क्या है, धाम स्वरूप और लीला। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकि सब दुनी राह देखत, अक्षरातीत की वह पहचान जाहिर हुई है, पूर्ण ज्ञान तारतम के माध्यम से अवतरित हुआ है, सारा संसार जिसकी बाट देख रहा था, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। सारे ब्रह्मांड को मुक्त करने वाले ब्रह्मणि आए हुए, और उनके आने के कारण ये ब्रह्मचरण आवे ब्रह्मशिष्ट बिना जाकि असल हक निस्बत। ब्रह्मशिष्टियाँ आई, उनको जगाने के लिए अक्षरातीत आए, तो तारतम ज्ञान आया। हम तारतम ज्ञान को 6 चौपाइयों में से एक चौपाई ले लेते हैं और एक नाम की केवल महिमा गाने लगते हैं, और एक ही नाम के बंधन में बांध देते हैं कि अक्षरातीत का केवल एक नाम है। ये कितनी हास्यास्पद बात है, जिस अक्षरातीत को संसार की कोई मर्यादा बांध नहीं सकती, जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन अपने सत अंग के इशारे मात्र से किया है, उस अक्षरातीत को हम शब्द के बंधन में बांध देते हैं, यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। अक्षरातीत किसी मर्यादा में नहीं बंधते, किसी नियम में नहीं बंधते, केवल एक बात से बंधते हैं, प्रेम प्यासु न करे अंतर, जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम धनी, बस प्रेमी गम अलग के करी त्रैलोकी की खोली चक। राज्य को बस में करना है तो केवल प्रेम चाहिए, उनको कर्मकांड के बंधनों में बंधना स्वीकार नहीं है, वो तो कर्मकांड के बंधनों को तोड़ने आए। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वाज। आज हमारे समाज में लगभग 30 वर्षों से एक वातावरण बना हुआ है घृणा का,
एक पक्ष है निज राम सिकट जी को मानने वाला, एक पक्ष है निज राम श्री जी साहब को मानने वाला। दोनों घृणा करते हैं कि तुम इस नाम को मानो, तुम इस नाम को मानो। सबसे बड़ी बात यह है अक्षरातीत कि आप जिस भावना से पुकारिए वो तो आपके हैं। प्रश्न यह है कि इस जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत जिस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं उस नाम को पुकारने में भी घृणा क्यों लगती है? कई बार तो ऐसा देखने में आया किसी को साहित्य दिया गया उसमें श्रीजी साहब नाम लिखा था तो उसने वापस कर दिया, तारतम्य लिखने से वापस कर दिया। एक नहीं दर्जनों लोग उनको भेंट में दी गई थी, भेंट में भी लेना स्वीकार नहीं है कि निज नाम श्रीजी साहब लिखा है हम नहीं लेंगे। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? क्या श्रीजी साहब अक्षरातीत का नाम नहीं है? क्या कृष्ण नाम ही अक्षरातीत का नाम है? आपकी कृष्ण नाम पर श्रद्धा हो मानिए, लेकिन श्रीजी के नाम से घृणा क्यों? जब वाणी कहती है रोशनी पार के पार की दई साहेब नाम धरा है, जब वाणी कहती है लई तारतम अजवानुसार वली श्रीजी अव्यायवाद, तीन बार श्रीजी शब्द का प्रयोग हुआ है। श्रीजी ना मचन वे विचारिया निदलिधि वचनोनिसार खटती विका, श्रीजी कौन? जो देवचंद जी के धाम हृदय में बैठे वो श्रीजी है। कीर्तन में कहा है कि श्री श्री जी ना चरण पसाए जसिया हमची गाए, थोड़े दिन मां चौदेल को आनित प्रकटित आए, श्री श्री जी के चरणों की कृपा से। यह श्री जी किसको कहा गया है? मीराज को नहीं, महामती को नहीं, जो महामती के धाम हृदय में अक्षरातीत का वे स्वरूप विराजमान है उसको श्री जी कहा गया है। लेकिन एक परंपरा जल्दी आ रही थी निज राम सिकट जी की, जबकि आपको विदित है मैंने दो दिन पूर्व की चर्चा में इस बात को स्पष्ट किया है कि जब शेख वदल को श्री जी ने कहा कि जाओ या सनंद ग्रंथ जमा मस्जिद में सुनाओ, तो उसमें परिवर्तन किसके आदेश पर हुआ? श्री जी के नाम से हुआ। और औरंगजेब यदि मंगा कर कहता कि लाओ ग्रंथ दिखाओ और उस पर निज राम सिकट जी होता तो क्या स्वीकार करता? और पहली बात मुस्लिम को मुस्लिम के हिंदुओं के हिंदुओं की तरह ये समझे सब अपने मिने, जब आए इमाम आखिर हरिद्वार में सबने पहचाना कि ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विजयावनंद के स्वरूप है। अब मुसलमानों को समझाना है वो भी साकुमार की आत्मा को, तो उसमें सिकट जी की पहचान देने से तो साकुमार समझने वाले नहीं। अब इसलिए उनको पहचान करानी थी कतई पक्ष के द्वारा। रोशनी पार के पार की दई साहेब नाम धरा है, अब ये चौपाई क्या कह रही है? इश्क साहेब सो नहीं अंतर, तो क्या यहाँ साहब शब्द हटा देंगे आप? अब सो साहेब आइया सब श्रेष्ठ करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख ने चल। समाज में जो घृणा का वातावरण है वो कर्मकांड को लेकर है। कर्मकांड क्या है? पुलस रात कही खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। सबसे बड़ी बात आप देखिए वाणी क्या कहती है, इश्क बंदगी अल्लाह की सो होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर। हम कौन सा तारतम आप जप करते हैं ये आपकी भावना है। निज नाम सिकट जी का जप कर लेंगे तो राजी आपको मूल मिलावे से निकाल नहीं देंगे, और निज नाम श्री जी कह देंगे तो ये नहीं कि राजी कह देंगे कि तुमने निज नाम श्री जी कहा तुमको परम धाम में ले जाएंगे। राज्य शब्दों के नहीं बधे हैं, केवल प्रेम के बधे हैं। ये पहचान पर निर्भर करता है। हम ब्रज वाले नाम को प्राथमिकता दे रहे हैं कि जागने वाले राम को प्राथमिकता दे रहे हैं। यदि आपको ब्रज वाला नाम अच्छा लगता है तो हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं, हमें निज जागने वाला सृजी साहब नाम अच्छा लगता है तो आपको भी विरोध नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ में प्रेम का वातावरण होना जरूरी है। कर्मकांड के बंधनों में यदि आप बांधेंगे तो आप प्रेम से कोसों दूर हो जाएंगे। अभी मैं कह रहा था निज नाम सोई जाहिर हुआ जबकि जाके सब दुनिया राह देकर, इसका तात्पर्य क्या है? अक्षरातीत की वह पहचान जाहिर हुई। मंत्र क्या है? सुंदर साथ में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला दिया गया है कि देखिए श्रीकृष्ण परमात्मा ने देवचंद जी को महामंत्र दिया श्याम जी के मंदिर में, तो क्या जैसे आजकल मंत्र देने की परंपरा है तिलक किया जाता है नारियल भी रखा जाता है कहीं कहीं तो कान में फूंक भी मारी जाती है, तो ऐसा तो कहीं बीतक में वर्णन नहीं आता कि देवचंद जी को राजी ने प्रकट होकर मंत्र दिया हो। मंत्र नहीं ज्ञान दिया, बीतक में वर्णन कहीं नहीं आता है कि मंत्र दिया। जब हरिद्वार में श्री जी पहुँचते हैं और सारे संप्रदायों के आचार्यों के बीच में पूछा जाता है कि आपका मंत्र क्या है, तो वहाँ कहते हैं कि मंत्र तारतम सो। मंत्र का अर्थ क्या होता है?
मननात मंत्र है जिसका मनन किया जाए। छह चौपाइयां या देवचंद जी के तन से एक चौपाई उतरती है, महामती जी के तन से समय अंतराल के पश्चात छह चौपाइयां उतरित होती है। छह चौपाइयों को तारतम के रूप में दर्शाया गया है। छह चौपाइयों में पहचान दी गई है कि निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, और आगे बताया गया है कि ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार। और इन्हीं छह चौपाइयों की व्याख्या 18,758 चौपाइयां है। सुंदर सात जो प्रवाहियों के कुछ बातों को न समझने के कारण भ्रमित हो जाता है, जैसे मैं आपको, चूंकि ये विषय विवाद का विषय 30 सालों से बना है, मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। मंडूक परिषद में क्या कहा है, ओम इति एतत् सर्वम् तस्य उपव्याख्यानम्। ओम किसका वाचक नाम है, अविनाशी अक्षर के का, अक्षर के मन अव्याकृत का। वेद की उत्पत्ति कहां से हुई है, अविनाशी अक्षर से, अव्याकृत से। किसके अंदर वेदों का ज्ञान प्रकट होता है, सबसे पहले आदि नारायण के अंदर। और इसलिए क्या कहा गया है कि संपूर्ण वेद का सार क्या है, ब्रह्म है, और उसका वाचक नाम क्या है, ओम है। कुछ की मान्यता क्या है कि गायत्री मंत्र में संपूर्ण वेदों का सार समाया हुआ है, वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यजुर्वेद में गायत्री मंत्र 4 बार आया है, सामवाद सामवेद में 1 बार आया है, ऋग्वेद में 1 बार आया है, यजुर्वेद के 3रे 36वें 28वें और 36वें अध्याय में 4 बार गायत्री मंत्र का प्रयोग हुआ है, जिसमें 36वें अध्याय का जो 3रा मंत्र है उसमें 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र प्रयोग हुआ है, नहीं तो सब जगह भूर्भुव स्वः से शुरू होता है, नहीं तो सब जगह तत्सवितु वरेण्यम से शुरू होता है। ये कहानी है। भोली भाली जनता इन रहस्यों को नहीं समझती है। अथर्ववेद में केवल उसकी प्रशंसा की गई है, अस्तुता माया वरदा वेद माता प्रचुद्यंतम पाव मानी द्विजानम आयु प्राणम पशुम कीर्तिम ब्रह्मणम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम। गायत्री कोई देवी नहीं है, गायत्री छंद में मंत्र लिखा हुआ है, इसलिए उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र में भी भू वर्षा का अर्थ क्या होता है, सचित आनंद होता है। अब इस मंत्र में परमात्मा की केवल आराधना है, लेकिन जब पौराणिक युग आया, बामार्गियों का वर्चस्व बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि यदि गायत्री मंत्र को स्त्री पढ़ लेती है तो क्या करना चाहिए, उसकी जीवा काट लो। शूद्र यदि गायत्री मंत्र बोल देता है उसके कान में शीशा पिघला कर डाल दो। अरे भाई, परमात्मा का नाम किस लिए है? स्त्री, ब्राह्मण की स्त्री भी तो स्त्री है, क्या वो वेद नहीं पढ़ेगी? गायत्री परमात्मा का नाम नहीं लगे, कहाँ लिखा है? लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो तरह तरह के अत्याचार धर्म की चादर ओढ़कर किए जाते हैं। इसी में एक विचारधारा फैल गई। जब ज्ञान का प्रकाश लुप्त हो गया तो धीरे धीरे बामार्गियों ने तांत्रिक क्रियाओं का वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया, और उसमें ये कहना शुरू किया कि देखो, तुम मंत्र किसी को सुनाना नहीं, सुना दोगे तो शक्ति चली जाएगी। ये अंध परंपरा है, मंत्र सुनाने से मंत्र की शक्ति कहाँ चली जाएगी? सामान्य सा सिद्धांत है, ज्ञान को जितना ही बढ़ाया जा फैलाएंगे आपका भी ज्ञान बढ़ता है। एक नीति का कथन है, अपूर्वा कोशो वयम विदते तो भारत वेद वे कृते वर्धते व नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रदान क्षयमयाति संचयात। संचय करेंगे ज्ञान का तो नष्ट हो जाएगा, जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। एक बार रामानुज आचार्य के साथ ऐसे ही हुआ। रामानुज आचार्य ने जो गुरु मंत्र उन्हें मिला था उसको किसी को बता दिया। उनके गुरु ने कहा कि देखो, तुमने गुरु मंत्र बता दिया है, किसी को कह दिया है, तो तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। रामानुज का उत्तर जानते हैं क्या है? यदि मुझे मानवता के कल्याण के लिए मंत्र बताने से यदि एक नरक मिलता है तो मैं करोड़ बार करोड़ों वर्षों तक नरक में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मंत्र को बताऊंगा जरूर। ये उद्यात विचार है। मंत्र में ज्ञान निहित होता है। गायत्री मंत्र में परमात्मा का केवल ज्ञान है, कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। मैं उसका सामान्य अर्थ कर देता हूं जल्दी से, क्योंकि ये परिक्रमा का विषय है। लेकिन जो समाज में मंत्र के लेकर भ्रांतियां चल रही है, हमारी जागनी यात्रा का भी प्रारंभ है,
सुंदर साथ में यूट्यूब के माध्यम से चर्चाएं जा रही हैं, सुंदर साथ तरह तरह की भ्रांतियों से शिकार है, उनके लिए ये बात कहनी पड़ रही है कि सुंदर साथ वास्तविकता को समझने का प्रयास करें, वो प्रेम की डगर पर चलें, प्रेम ही उनको परम धाम दिलाएगा, कोई शब्द या नाम नहीं दिलाएगा। गायत्री मंत्र में कहा गया भूर्वः स्वः, भू सत्यायाम से भू का अर्थ होता है सत्य, भू का अर्थ होता है चित्त और स्व का अर्थ होता है अनंत, तत् का अर्थ होता है वह, सवितु सूर्याद प्रकाशकों का भी प्रकाशक, वरेण्यम वरण करने योग्य, ध्यान करने योग्य, भर्गा परमात्मा का जो तेजोमयी स्वरूप है जिसको हम नूर कहते हैं उसके लिए भर्गा शब्द प्रयोग होता है, देवस्य आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, धीमय उसको हम धारण करें, धिया परमात्मा हमारी बुद्धि को, यह न प्रचोदयात जो परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, सूर्य आदि प्रकाशकों का प्रकाशक है, आत्मा का एकमात्र उपास्य है, आनंद स्वरूप है, उस परमात्मा का जो अनंत तेजोमय स्वरूप जो नूरमय स्वरूप है उसको हम हृदय में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करें। इसमें कौन सी तांत्रिक प्रक्रिया हो गई है? आप इस मंत्र को किसी को बताते हैं तो, या कोई स्त्री उच्चारण कर लेती है तो उसकी जीवा काटने की क्या हो सकता है? यदि आपने मंत्र किसी को कह दिया तो आपने पुण्य का कार्य किया, लेकिन ये कहना कि मंत्र कह दोगे तो उसकी शक्ति चली जाएगी। एक बार पन्ना जी में सारे विद्वानों की मीटिंग बैठी थी, मैं भी था, उसमें जोर जोर से सारे विद्वान कह रहे थे कि मंत्र को बोलना नहीं चाहिए, तारतम बोल देंगे तो उसकी शक्ति चली जाएगी। मुझे बहुत हंसी आई, मैंने पूछा कि अब बताइए किस ग्रंथ में लिखा है कि तारतम बोलने से शक्ति कम हो जाती? यह जरूर है आप परिस्थिति के अनुसार मन में बोलिए या उच्चारण करके बोलिए। योग दर्शन में क्या लिखा है? तत् जपः तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से उसका जप होना चाहिए परमात्मा के नाम का। आप अकेले में हैं, ध्यान करने जा रहे हैं तो मौन होकर के जप कीजिए, आवश्यकता है बोलने की तो बोल भी लीजिए। आप यज्ञ करते हैं तो क्या गायत्री मंत्र की आहुति देंगे तो बोलेंगे नहीं? पौराणिक लोग क्या कहते हैं, मंत्र नहीं बोलते हैं, केवल स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। उन बेचारों को ये भी पता नहीं कि स्वाहा का अर्थ क्या होता है। वो अग्नि की पत्नी को स्वाहा कहते हैं, अग्नि तो जड़ है, उसकी पत्नी क्या होगी? स्वाहा का अर्थ होता है सु अहेतिवा सोम प्रहेतिवा स्वाहतम हविष्यो। निरुक्त जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बेचारे स्वाहा का अर्थ क्या जाने। इसका सामान्य अर्थ होता है दूसरों के साथ हम वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उससे चाहते हैं। पूर्ण आत्मत्याग को स्वाहा कहते हैं कि हम परमात्मा के लिए सर्वस्व समर्पित करते हैं। जैसे गायत्री मंत्र बोल करके आहुति देश में स्वाहा कर स्वाहा का उच्चारण करने का अर्थ क्या होता है? हम जिस अक्षरातीत की वंदना की गई है इस गायत्री मंत्र में उसके हम प्रति समर्पित हैं, ये भावना होती है। लेकिन जब समाज में अज्ञानता का अंधकार होता है तो ऐसी अंध परंपराएं प्रवाहित प्रचलित करती जाती हैं और भोला भाला जन समूह आपस में लड़ता रहता है। हमारे समाज ने भी उन्हीं की नकल मार ली। आज का युग शिक्षा का युग है, चिंतन का युग है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और 12वीं सदी 13वीं सदी के अंधविश्वासों को आज हम थोपना चाहते हैं कि कान में ही तांता मंत्र कहना। आजकल तो कुछ परिवर्तन हुआ होगा, आज से 20 साल पहले सुना तो जाता था यही, जब किसी को तारतम दिया जाता था तो उसमें कान में फूंक मारा जाता था और कोई ढोल बजाला बजाते थे। मैंने कईयों से पूछा तो सबने यही कहा कि हमको तो पता ही नहीं चला कि कहा क्या गया है, वहाँ ढोल बजाए जा रहे थे। इस तरह की दीक्षा से क्या मिलेगा? तारतम की व्याख्या कीजिए, तारतम की 6 चौपाइयों में क्या कहा गया है, हृदय में ज्ञान का प्रकटीकरण हो। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 उपांग, 11 सुब 27 शाखा में कहीं नहीं लिखा है कि कान में फूंक मारिए नहीं तो मंत्र की शक्ति चली जाएगी। ये अंधविश्वास है, अंध परंपरा है। दूसरी बात, आप मंत्र कितने भी जप लीजिए यदि उसके अर्थ का पता नहीं है, जैसे मान लीजिए आजकल तो पेन ड्राइव का युग है, पहले सीडी हुआ करती थी, कैसेट हुआ करती थी, आप लाउडस्पीकर में गायत्री मंत्र या तारतम मंत्र को ही रिकॉर्ड कर दीजिए और खूब जोर जोर से बताया कीजिए तो 10 सालों में तो हो सकता है करोड़ों बार जप कर लिया होगा, क्या वो पेन ड्राइव परमहंस के रूप में प्रकट हो जाएगा? आप उसका अर्थ नहीं जानते, भाव नहीं जानते, आपके अंदर प्रेम नहीं है, केवल शब्दों के उच्चारण से क्या होगा? हाँ, थोड़ा सा लाभ होगा कि आपके मन की शुद्धि हो जाएगी।
गायत्री मंत्र का जप कीजिए, किसी भी मंत्र का जप कीजिए तो आपके हृदय में थोड़ी शुद्धता होती है। लेकिन मंत्र क्या कह रहा है? तत् सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। उस परमात्मा के स्वरूप को हम धारण करें, धारणा से ध्यान होगा, ध्यान से समाधि होगी, समाधि से साक्षात्कार होगा। मेरे कहने का आशय क्या है? ये पूर्णतया मिथ्या धारणा है कि तारतम मंत्र किसी को कहना नहीं चाहिए। पहले तो मंत्र शब्द का अर्थ मैंने कहा, मननात मंत्र, ऋषियों मंत्र द्रष्टारा मंत्रान संप्रादो। मंत्र किसको कहते हैं? वेद में जो कुछ लिखा गया है उसको मंत्र कहते हैं। ऋग्वेद में 10,589 मंत्र हैं, यजुर्वेद में 1,975 मंत्र हैं, सामवेद में 1,873 मंत्र हैं और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं। इन सबको जोड़ लीजिए कैलकुलेटर पर, जितना 20,000 हो गए, 20,414 के आसपास मंत्र होने चाहिए। मेरे कहने का अर्थ क्या है? ये सभी मंत्र कहलाते हैं। मंत्र का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का कथन, और जिसका मनन किया जाए वो मंत्र है। तारतम की एक चौपाई जैसी है वैसी 18,758 चौपाइयाँ हैं। देवचंद जी के तन से एक चौपाई उतरती है जिसमें क्या कहा जाता है कि निज नाम से कृषि अनाति अक्षरातीत सोतो अब जाहिर भय सवित वतन सहित। श्यामा जी की आत्मा कह रही है कि जो अनादि है, अक्षर से परे अक्षरातीत है, उन्होंने ब्रजराज में श्री कृष्ण नाम को धारण किया था, अब वही अक्षरातीत परम धाम के ज्ञान के साथ मेरे धाम हृदय में प्रकट हुए। जैसे जैसे समय बीतता है 5 और चौपाइयाँ होती हैं, 6 चौपाइयों का तारतम होता है जो दीक्षा के समय दिया जाता है। इसको आधार मानकर कि प्राथमिक जो हमारी उपासना पद्धति है जिसको कर्मकांड कहते हैं, शरीयत कहते हैं, छोटे बच्चों के लिए है, वो इसको आधार मान करके चिंतन में लाएं, बड़े होकर के तारतम वाणी का चिंतन करें। इसका विस्तार 18,758 चौपाइयाँ हैं, उसमें चिंतन में लाएं। जागने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए हित पलक न पीछे फेरिए जो इस अंग उपजत। पूरे सुंदर सात अष्टपर के बीतक सुनते हैं आप, कहीं भी अष्टपर के बीतक में आपने सुना है कि श्री जी सब सुंदर सात के हाथ में माला पकड़ा देते हो और कहते हो कि तारतम महामंत्र का जप करो। केवल वाणी चर्चा होती है, चितवनी कराई जाती है। आज वो प्रक्रिया क्यों नहीं है? आज तारतम के नाम पर विवाद क्यों खड़ा किया जाता है? तारतम तो पहचान देने के लिए, श्री जी के तन से निज नाम श्री जी का तारतम प्रचलित हुआ, सतगुरु धनी से देवचंद जी के तन से निज नाम श्री कृष्ण जी अवतरित हुआ, दोनों तनों से दो तारतम उतरे। हमारा कर्तव्य है किसी को मिटाना नहीं, लेकिन आपस में लड़ना तो हमारा कर्तव्य नहीं होता है। आप कहीं जाइए, कहीं प्रणामी मंदिर हो तो आप निज नाम श्री जी कह दे तो आपको कोई ठहरने नहीं देगा। तो ये कौन सी घृणा? कृष्ण जी तो प्रेम के स्वरूप हैं। यदि आपको भागवत से बहुत लगाव है, कृष्ण नाम से लगाव है, तो घृणा क्यों पाले हैं? कृष्ण जी तो वृंदावन के गोकुल के ग्वालों से प्रेम करते हैं, बछड़ों से प्रेम करते हैं, और आप उनके परम भक्त होकर सुंदर साध होकर क्यों घृणा करते हैं? एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये परिक्रमा का प्रकरण पहली चौपाई से लेकर आखिरी चौपाई तक केवल प्रेम की बात कही गई है। हमारी आत्मा जगेगी किससे? प्रेम से। प्रेम प्यासो ना करे अंतर। ब्रज में जिन आत्माओं ने धनी से प्रेम में कोई अंतर नहीं किया था तो ये दुख देखें क्यों कर। अभी आपने चौपाई सुनी, इश्क साहेब सो नहीं अंतर, राज्य में और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। इश्क नेचल घर दाता, इश्क दिखावे पार के पार। आपको यदि परम धाम देखना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम के मार्ग पर चलना पड़ेगा। आप किसी भी मंत्र से राज्य को नहीं पा सकते। आप 10 करोड़ भी जप कर लेंगे तो ऐसा नहीं कि राज्य साक्षात आ जाएंगे। एक विद्वान का मैंने बहुत प्रवचन सुना था, अब तो विदेश चले गए हैं, कि यदि आप 1 करोड़ तारतम महामंत्र का जप कर लेंगे तो आपकी वाक सिद्धि मिल जाएगी। वो एक प्रतिष्ठित स्थान के विद्वान थे, मुझे बहुत हंसी आई कि भाई वाक सिद्धि के लिए 1 करोड़ तारतम महामंत्र के जप करने की क्या जरूरत है? आप योग दर्शन की साधना को पूर्ण कीजिए, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयितम, मन वाणी कर्म से सत्य का पालन कीजिए तो आपको वाक सिद्धि ऐसे ही मिल जाएगी बिना जप किए। ये प्राइमरी की क्लास
मुझे आश्चर्य होता है कि कब तक समाज में प्रचलित रहेगी, ये मंत्र जपो, ये परिक्रमा करो, ये करो, ये तो छोटे बच्चों के लिए है। आज 21वीं सदी में संसार कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया है। आप अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश में जाएंगे तो वहाँ भी हर ऑफिस में कहीं ना कहीं ध्यान कक्ष बना हुआ है, लोग वहाँ जाकर ध्यान कर रहे हैं। चाइना जैसे नास्तिक देश में सरसवा के पास के कई लड़के जाकर के योग सिखा रहे हैं, वहाँ के लोग ध्यान कर रहे हैं। आप राधा स्वामी मत में जाइए, उनका प्रतिदिन का जो कार्यक्रम होता है 100,000 लोग ऐसे रहते हैं, जो वार्षिकोत्सव होता है तो 1,000,000 उनके अनुयायी इकट्ठे होते हैं, और सोचिए 1,000,000 लोगों को प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक होता है। हमारे समाज में कभी ये देखने में नहीं आया कि यदि पन्ना जी में शरद पूर्णिमा पर 15,000 सुंदर साथ आते हैं तो 15,000 सुंदर साथ यदि मूल मिलावे के ध्यान में बैठते तो कितना सुंदर दृश्य होता। लेकिन कर्मकांड हावी है, कोई परिक्रमा में भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई चर्चा सुनने के लिए 2-3,000 भी मुश्किल से बैठते हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम केवल शब्दों का विवाद खड़ा करते हैं। जैसे अभी एक चौपाई पर बहुत विवाद खड़ा किया जा रहा है, घर से धाम अनेक से कृष्ण एफल सार तरण उतारता। अब कोई प्रसंग नहीं देखता कि ये प्रसंग है परीक्षित और सुखदेव जी की वार्ता का। बल्भाचार्य मत में एक धारणा है, वृंदावनम प्रत्यज्य पदम एकम न गच्छति, कि वृंदावन को छोड़कर श्री कृष्ण जी कहीं भी नहीं गए। वाणी क्या कहती है, राज खेल के आए घर, उम्मीदा न हुई या पूरन, धाक मन में रही, तब श्यामा जी को दनिए हुक्म ऐसो किए सही, तब हम भी आई अतीत, श्यामा जी आए जित। सबको मालूम है कि राज खेल कर हम राज जी हम परम धाम जाते। राज में पूछा था कि सखियों तुम्हें वृंदावन कैसा लगा, सखियाँ कहती हैं कि अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन हमें हमारी एक इच्छा है, हवे वाला हुए एटलू मांगो खीड़े कंग अलगा न थे, जी हाँ हमने वीरा नहीं चालू थे कर जाइए, आप वहाँ चलिए जहाँ हम आपसे अलग ना होते हों। तो उस सामान्य सुंदर साथ को मालूम है कि राज खेल कर हम परम धाम गए, लेकिन जब तक तारतम ज्ञान का अवतरण नहीं हुआ था तब तक सारा प्रवाही समाज यही जानता था कि केवल वृंदावन में ही परमात्मा का स्वरूप है, इसके आगे कुछ नहीं है। और इसकी साक्षी बीतक से भी मिलती है कि देवचंद जी को जब बालमुकुंद दर्शन देते हैं तो क्या कहते हैं, ये जो मैं इनकी सेवा न सो तुमको इनके स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं एहसान। वो रास बिहारी को ही अक्षरातीत माने बैठे हैं, वृंदावन बिहारी ही उनके लिए परमात्मा का स्वरूप है। बालमुकुंद जी के लिए बालमुकुंद के रूप में कौन है, विष्णु भगवान के जीव। वो क्या जानते हैं, जहाँ रास हो रही है उसके आगे कुछ नहीं है। ये वेदों में जरूर कह दिया गया है त्रिपादुर उदयित पुरुषा, लेकिन बालमुकुंद जी को भी इसकी जानकारी नहीं है कि रास बिहारी से परे कुछ है। अब तारतम ज्ञान का प्रकाश अवतरित होता है तो ये बात बताई जाती है कि रास से परे केवल है, केवल से परे सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप से परे अक्षरधाम है, उसके परे परम धाम है। इसलिए वाणी जब सुखदेव और परिचित की वार्ता पूरी होती है उसके बाद ये चौपाई आती है, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण एफल सार तरणो तारतम। तारतम का सार क्या है, तारतम एफल सार तरणो तारतम, तारतम के फल रूप सार क्या है, फल क्या है परिणाम। तारतम आने से संपूर्ण ज्ञान का सार क्या है, तो वह की पहचान होती है कि हमारा घर क्या है, घर श्री धाम, हमारा घर है परम धाम, जहाँ से इस क्रवत करके हम ब्रज में आए, उसके पश्चात रास में किए, ब्रज में अक्षरातीत ने श्री कृष्ण का तन धारण किया था। तो घर की पहचान और श्री कृष्ण की पहचान देने के संबंध में ये चौपाई कही गई है। यदि यह कहा गया होता घर श्री धाम माहे श्री कृष्ण ये फल सार तोड़ तारतम, तब आप अर्थ कर सकते थे कि परम धाम में श्री कृष्ण है, लेकिन चौपाई में क्या कहा गया, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, अनेक अर्थ सबको मालूम है कि और होता है। घर की पहचान क्या है और हमारे आराध्य की पहचान को क्या है, ये तारतम ज्ञान से विदित होता है। बात प्रसंग के अनुकूल जो कही गई है यदि हम उसका अर्थ न समझें तो केवल थोपने की प्रवृत्ति से क्या होगा, समाज में विवाद होता है। आप किसी भी नाम से पूछिए,
अब देखिए वेद का प्रकटन हुए कितने वर्ष हो गए, 1,96,08,53,122 वर्ष इस संसार को बने हुए हो गए और वेद का प्रकटन हुए भी इतने वर्ष हो गए। तो यदि ये नाम तो पहले से ही था, वेद का एक मंत्र है, मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि जगह जगह विवाद खड़े हो रहे हैं। वेद का एक मंत्र है, अथर्ववेद में भी है और ऋग्वेद में भी है, और उसमें कृष्ण शब्द आया है, वो मंत्र है कृष्णम नियानम हरय सुपर्णा अपो वसानान दिव उत्पतन ते आवृतन सदनात ऋतस्य आदित घृतेन पृथ्वी व्यदो। इस मंत्र में क्या कहा गया है, भौतिक अर्थ सूर्य पर लिया गया है, आध्यात्मिक अर्थ होता है ये केवल ब्रह्म के लिए घटित होगा। सूर्य का अर्थ, कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षणशील या भौतिक विच्छेदक ब्रह्म, जो उसके उपासना होते हैं। अपोवसानां दिवम उत्पतंत, वो ज्ञान को लेकर के योग माया के ब्रह्मांड का सुख प्राप्त करते हैं और पुनः परिस्थिति के अनुसार इस पृथ्वी, उस ज्ञान के प्रकाश को लेकर पृथ्वीवासियों को पुनः इस संसार में प्रकट होकर तृप्त करते हैं, मंत्र में ये कहा गया है। लेकिन अक्षर अतीत की पहचान तो तब भी नहीं दी गई, शब्द तो पहले था, ब्रज की लीला से पहले भी कितनों ने अपने बच्चों का नाम कृष्ण रखा होगा, लेकिन कृष्ण शब्द, ये कहना है कि परम धाम में केवल कृष्ण ही नाम है, ये तो अक्षर अतीत को बंधन में रखना है। आपको कृष्ण नाम अच्छा लगता है, कृष्ण नाम कहिए, राज नाम अच्छा लगता है, राज कहिए, श्रीजी नाम अच्छा लगता है, श्रीजी कहिए, प्राणनाथ अच्छा लगता है, प्राणनाथ लगे, लेकिन थोपना कि केवल इसी नाम को ही परम धाम में कहा जा सकता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो कृष्ण है तो राधा भी होनी चाहिए। तो अक्षर अतीत को तो अपने बंधनों में बांध दिया, जैसे मुसलमान क्या कहते हैं कि गैर मुस्लिम को अल्लाह नाम का अनुवाद करने का अधिकार नहीं है, पूछा जाए अल्लाह तुम्हारा खुदा, अल्लाह शब्द से ही बधा क्यों है, क्या अरबी में ही है, क्या उसका नाम तो रहमान है, रहीम है, बिस्म और करीम है, न जाने कितने शब्द हैं, कुरान की टीकाओं में 100 नाम दिए गए हैं, केवल अक्षरातीत एक नाम से बध जाए, एक शब्द से बध जाए, तो ये कभी भी उचित नहीं होगा। हिंदू कहें कि उसका नाम केवल लोक है, ओम है, आप कहें कि केवल कृष्ण नाम है, मुसलमान कहेंगे कि अल्लाह नाम है, तब तो सारे लड़ पड़ेंगे। इसलिए शब्दातीत के पार तीन पार ज्योति का तेज रे यासु था तेरा संबंध पर तिलाख्या न कछुए हिजरे। शब्द कहाँ समा जाते हैं, शब्द तो आगे चल गया, इश्क तो आगे चल गया, शब्द समाना सुन, शब्दों की गति निराकार तक है, आप निराकार के शब्दों को लेकर के आप झगड़ा कर रहे हैं। बेहद को शब्द न पहुंचे तो क्यों पहुंचे दरबार, लुगा न पहुंचे रास लो इन पार के भी पार। इस दुनिया का एक भी शब्द जब रास में नहीं जा सकता, बेहद में नहीं जा सकता, तो ये कहना है कि परम धाम में केवल श्री कृष्ण नाम ही है और कोई नाम नहीं, भाव का नाम है तो श्री कृष्ण नाम भी तो भाव का ही नाम है। आप देखिए ब्रज में राधा भी कृष्ण ही कहती है, ग्वाल बाल भी कृष्ण ही कहते हैं, जसोदा भी कृष्ण भी कहती है, नंद भी कृष्ण ही कहते हैं, सभी कृष्ण कहते हैं, भाव तो सबके अलग अलग है। राधा जिस भाव से मानती है, ग्वाल बाल सखा भाव से मानते हैं, उस भाव से तो नहीं मानते। नंद जसोदा वात्सल्य भाव से मानते हैं, भाव अलग अलग है, शब्द एक है। इसका अर्थ क्या है, शरीर का नाम है। इसलिए द्वारिकाधीश का भी नाम श्री कृष्ण है, मथुराधीश का भी नाम श्री कृष्ण है, उसमें राज्य का आवेश नहीं है। जैसे श्री कृष्ण नाम शरीर का है, वैसे देवचंद जी नाम शरीर का है, मिहिराज नाम शरीर का है, राज नाम भाव मूलक है, प्राणनाथ भाव मूलक है, श्रीजी शब्द भाव मूलक है। परमात्मा को भावात्मक नामों से ही पुकारा जा सकता है, शरीर के नामों से नहीं। शरीर के नामों में कभी अक्षरातीत बंध कर रहने वाले नहीं है, लेकिन जो समाज में घृणा का वातावरण कर दिया गया है कि केवल यही नाम बोल सकते हो, परम धाम में केवल यही नाम है और केवल यही नाम ले जाएगा, तो परिणाम क्या होता है, सुंदर साथ के आपस में टकराव बढ़ता है। मैं सारे देश विदेश के सुंदर साथ से कहूँगा, चाहे कोई प्रणामी हो चाहे निजानंदी हो, आप केवल सुंदर साथ हैं, अपनी सुरता मूल मिलावे में रखिए, अपने अंदर हृदय का केवल प्रेम भरिए, यह प्रेम ही आपको परम धाम में ले जाएगा। यदि आप जीवन भर घृणा में लगे रहेंगे कि वो श्री जी वाले हैं, वो कृष्ण जी वाले हैं, हम तो हम ये हैं, हम ये हैं, प्रांत का बंधन,
जाति पाति का बंधन, गरीब अमीर का बंधन, जिले का बंधन, क्षेत्र का बंधन, ये सभी माया के बंधन हैं। इस सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। तो कल को तो आप ये भी नियम लागू कर देंगे कि परमधाम में होता भी है, तिलक पर भी हमारे समाज में झगड़ा होता है, तुमने ऐसा तिलक किया, यहाँ नाक तक तिलक होना चाहिए, कोई कहेगा बिंदु तक होना चाहिए, इस रंग का होना चाहिए। राज्य को इसमें क्यों बांध रहे हैं? मेरे सामने एक बार विवाद हो गया था कि चौकी पर राजी के चरण कमल है कि श्यामा जी के चरण कमल है। राजी एक पैर यहाँ जांघ के मूल में रखेंगे तो श्यामा जी बाई हैं, उनकी तरफ पैर होता है तो श्यामा जी का अपमान होता है। परम धाम में न अपमान है न मान है, ये आपकी माया की झूठी दुनिया में होता है, वहाँ कोई मंत्र नहीं जपता। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती है, वो हमेशा कहा करते हैं कि बताइए यदि प्राणा जी कौन से महामंत्र का जप करते थे, उनसे पूछा जाए कि शिखर जी किस महामंत्र का जप करते थे, तो वो तो कहेंगे कि शिखर जी तो अक्षरती थे। तो पूछा जाए प्राणा जी कौन है, क्या प्राणनाथ अक्षरती थे? 226 बार वितक में प्राणना जी को राजी कहा गया है, 22 बार हक कहा गया है, 4 बार अक्षरातीत कहा गया है। अब अक्षरातीत के लिए कहा जा रहा है कि वो कौन से महामंत्र का जप करते थे, क्या प्राणना जी माला पर जप करने के लिए संसार में आए हैं? लेकिन आज की जो व्याख्या हो गई है कि सिकट शब्द अक्षरातीत के लिए और प्राणना जी संत है, महापुरुष है, कवि है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हमको इन नामों के झगड़ों में नहीं पड़ना होगा। जो राज्य ब्रज में श्रीकृष्ण के अंदर थे वही राज्य देवचंद जी के अंदर आए, वही राज्य मिहराज के अंदर आए। इन तीनों में ब्रह्मलीला भई ब्रज रास और जागनी कहे। ब्रज में भी राज्य श्रीकृष्ण का तन धारण करते हैं, रास में भी राज्य श्रीकृष्ण का तन धारण करते हैं, जागनी में भी देवचंद जी के अंदर आते हैं, उसके बाद मिहराज के अंदर विराजमान हो जाते हैं। एक ही राज्य सभी जगह लीला कर रहे हैं और हम नामों के पीछे लड़कर घृणा के देश से देखते हैं कि देवचंद जी श्रीकृष्ण परमात्मा के भक्त हैं और प्राणनाथ जी देवचंद जी के शिष्य हैं, छत्रसाल जी के गुरु हैं। ये तो शरीर की पहचान हम बता रहे हैं, हमने उन स्वरूपों में रहने वाले अक्षरातीत की पहचान नहीं की। वाणी क्या कहती है? ब्रज वालों वालों पीसो ये वचन अपन को कहते थे, तो ये वचन तुमको कहे जाए जो तुम धाम की लीला माए। तो ये ब्रज वालो, ये प्राणा जी कौन है? ब्रज वालो वालो पीसो ये महामती जी के अंदर जो लीला कर रहे हैं, ये वही आवेश स्वरूप है जो ब्रज के अंदर लीला कर रहे हैं, किए थे जिन्होंने, रास मिने खिलाए जिने, प्रगट लीला करी है तिने, धनी धाम के कहलाए ये जो साथ को खुला बना। जिन्होंने रास में लीला की थी वही अक्षरातीत का आवेश महामती जी के धाम हृदय में प्रकट होकर परम धाम की ब्रह्मवाणी को कह रहा है। हमने शब्दों को लेकर लड़ना शुरू किया तो परिणाम क्या हुआ? आज समाज में टकराव हुआ। हमने शरीर की पहचान को महत्ता दी तो एक वर्ग जो भ्रांति का शिकार था उस भ्रांति को बनाए रखना चाहता है और इसके लिए वो प्राणराज को किसी भी सीमा पर अक्षरातीत के रूप में जाहिर नहीं होने देना चाहता। तो ये सोचिए, एक बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है। हम ब्रजराज के स्वरूप को मानते हैं, वही स्वरूप जब जागने में आता है तो वाणी क्या अभी तक क्या कह रही है? नदी किलकिला तीर पर उतरी परम अंसाय, तिन में सिरधार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुखपा। 5000 की जमात के साथ कौन आया? वही अक्षरातीत। वही अक्षरातीत जब छत्रसाल जी के दरबार में अपने चरण कमल रखते हैं तो छत्रसाल जी ने क्या कहा? साहस समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है, कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, चिन्ह तुम्हें बना। और उस अक्षरात के लिए कहा जाता है कि वो कौन से महामंत्र का जप करते थे? हाँ, एक मंत्र का जरूर जप करते थे। कृष्ण जी की एक मंत्र का जप जरूर करते थे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको आश्चर्य होगा। कृष्ण जी क्या कहते हैं? यत्र राधा तत्र हम नो आवयो भेद कुचित। कृष्ण के हृदय में हर पल राधा का चिंतन होता है, गोपियों का चिंतन होता है। उसी तरह से प्राणना जी का स्वरूप है, प्राणना जी भी एक मंत्र का जप करते हैं, उनको और कुछ नहीं होता। राज्य भी परम धाम में एक राज्य भी एक मंत्र का जप करते हैं। जानते हैं मंत्र क्या है? हक्को काम कुछ और नहीं, देवे रूहो लाड लज्जत। राज्य के हृदय में हर पल रहता है मैं अपनी आत्माओं को कैसे रिझाऊं। महामती जी के धाम हृदय में भी जब अक्षरातीत का स्वरूप बैठता है
तो उसको केवल एक ही मंत्र आता है कि मेरी परम धाम की आत्मा कहाँ है, उसको जगाने के लिए मुझे कैसे चलना पड़ेगा। इसलिए जागनी यात्रा उनकी प्रारंभ होती है, दीप बंदर से चलते हैं, मस्का तवासी से होते हुए पुनः सूरत आते हैं, सूरत से मेड़ता, दिल्ली, हरिद्वार, पुनः दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर, पन्ना पहुंचते हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, कहीं पैदल चलते हैं, कहीं बैलगाड़ी पर चलते हैं, कहीं घोड़ा पर चलते हैं, भूख प्यास आते हैं। ये प्रेमी का प्रेम है, एक आशिक का आशिक बना है। जो सारी परमात्माएं तो घरों में सो रही हैं, उनको जगाने के लिए अक्षरातीत जानते हैं कि किस तन में कहाँ पर परम धाम की आत्मा बैठी है, उसको जगाने के लिए वो आवासी बंदर पहुँचते हैं, भैरव सेठ को जगाने के लिए, मस्कत मंदिर में पहुँचते हैं महाजी भाई को जगाने के लिए, चिंतामणि को जगाने के लिए ठट्ठा नगर पहुँचते हैं, प्राणनाथ जी इसी मंत्र का जप करते हैं, वो तुलसी की माला लेकर के जप नहीं करते। और हमने सोचा कि तुलसी की लकड़ी की माला गले में डाल लेंगे तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। इश्क है हमारी निशानी, इश्क बिना मैं भई बिरानी। आपकी पहचान क्या है? प्रेम। यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो एक नहीं सौ माला पहन लीजिए, कितना भी माथा रंग लीजिए, कुछ नहीं मिलना है। सौ माला वावो गले में, द्वादश करो दस बेर, जो लो पीना उल के तो लो मन ना छोड़े। हम तो वैष्णव के कर्मकांड को समाज में थोप रहे हैं। हमारी पहचान वाणी है, हमारी पहचान चितवनी है। हमारे पास वाणी का ज्ञान नहीं है तो हम कोई भी मंत्र जपते रहें, परिक्रमा करते रहें, क्या होगा? ये तो अभी आपने चौपाई सुनी, इश्क बंदगी अल्लाह की सोहोत है हजूर। इश्क बंदगी क्या है? परम धाम की चितवनी। फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर। ये चौपाई मैंने तो नहीं बनाई, ये खुलासा की वाणी कह रही है। परिणाम क्या होगा? हमने वाणी को दूर कर दिया, हमने देखा कि वैष्णव किस कर्मकांड से चलते हैं, उसी कर्मकांड को थोपने लगे कि आपको भी कहना पड़ेगा। और हमने व्याख्या कर दी कि हम तो क्या हैं, हम शुद्ध वैष्णव हैं। प्रसंग कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, वैसे ही है। किरंतन में एक प्रकरण आता है जिसकी जो पाई है, वो भाई मेरी वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नेच कर्म के निकट न जावे, जाको पहचान भई परब्रह्म। वैष्णव से जब श्री जी का शस्त्रार्थ होता है तो श्री जी क्या कहते हैं, वो भाई मेरे वैष्णव कौन कहला सकता है? जो बुरे कर्म न करे और जिसको परब्रह्म की पहचान है, वही तो वैष्णव कहलाने का अधिकार है। हम सुंदर साथ कहें, कहाँ से वैष्णव हो गए? विष्णु का उपास जो विष्णु का उपासक होता है वो वैष्णव कहलाता है। बेहद वाणी में क्या लिखा है, शिवे पूछे विष्णु को क्या ब्रह्मांड है, और शिव जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि क्या और ब्रह्मांड है। विष्णु भगवान क्या उत्तर देते हैं कि इतने ब्रह्मांड हैं कि न मुझे पता है न आपको पता है, और हर ब्रह्मांड में न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई नहीं जानता। पुराण संहिता में क्या लिखा है, पुराण संहिता में जब ब्रह्मा विष्णु ईश्वर और सदाशिव पांचों की सुरता जाती है तो गोलोक में जाते हैं, तो वहां द्वारपाल पूछता है आप किस ब्रह्मांड से आए हैं, इनको पता ही नहीं। बाद में बताते हैं कि हम सुमुख नाम से ब्रह्मांड से आए हैं, तब उनकी सुरता को अंदर प्रवेश दिया जाता है। आप सोचिए इन पांचों देवताओं को भी पता नहीं कि कितने ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव और ईश्वर सदाशिव हैं। हम परम धाम की ब्रह्मात्मा होकर हमको कहा जाता है कि हम शुद्ध वैष्णव हैं, क्या हम वैष्णव हैं? और तुलसी की कंठी तो इसलिए पहनी जाती है, वो जालंधर राक्षस था जिसको छल पूर्वक विष्णु भगवान ने वृंदा का सतीत्व हरण करके मारा था। वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ, तो लक्ष्मी ने बदला लेने के लिए वृंदा को श्राप दिया कि जाओ तुम तुलसी हो जाओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देखो तुम वृंदा, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पत्ते का ही भोग लगेगा तो मेरा भोग माना जाएगा, और तुम्हारी लकड़ी की माला बनाकर मेरे भक्त पहना करेंगे। तो आप पूछिए अपनी अंतरात्मा से, आप विष्णु भगवान के भक्त हैं कि राज्य के प्रेमी हैं, राज्य के अंगना है? इसलिए जो भागवत के प्रेमियों ने ये कर्मकांड का जाल फैला रखा है, सुंदर साथ उसके नाम पर आपस में न लड़े,
किसी भी सत्य की साक्षी वाणी से देखे कि वाणी क्या कहती है। वाणी का कथन किसका कथन है? अक्षर अतीत का कथन है। जो वाणी ने कहती है वो अंतिम सत्य है। यदि साक्षात राजजी भी वाणी के विपरीत कहें तो समझना चाहिए कि ये सत्य नहीं है, और इसके लिए उन्होंने लीला भी करके दिखा दी। श्री जी औरंगजेब की आत्मा को जगाने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं, लक्ष्मीदास जी के घर जाहिरी लीला होती है। राजजी साक्षात प्रकट होते हैं, जैसे देवचंद जी के तन से कृष्ण के रूप में प्रकट होते थे, उनके घर साक्षात राजजी प्रकट हो जाते हैं, भोजन करते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मीदास चिंता क्यों करते हो, आज के 10वें दिन मैं सकुमार को साक्षात तुम्हारे सामने लगा दूंगा, तुम्हारे तन से सकुमार की जागनी होनी है। लक्ष्मीदास सोचते हैं कि प्राणनाथ जी के तन से तो राजजी लीला कर रहे हैं, मुझे तो साक्षात राजजी दर्शन दे रहे हैं, तो इनका कथन झूठा कैसे हो सकता है। तब श्री जी के बगल में बैठने लगे कि श्री जी मेरे घर साक्षात राजजी प्रकट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आज के 10वें दिन औरंगजेब की आत्मा को तुम्हारे तन से मैं जगा दूंगा। श्री जी ने कहा कि अच्छी बात है, कोई भी जगाए, मैं तो उसके साथ भी चलने को तैयार हूँ, पीछे भी चलने को तैयार हूँ। श्याम भाई भीम भाई ताना मारते थे, लेकिन जिस दिन जगाने का समय आया उस दिन राजजी उस दिन भी प्रकट होते हैं। लक्ष्मीदास जी कहते हैं कि भाई राजजी अपना वचन पूरा कीजिए, राजजी अंतर्धान हो जाते हैं। ये क्या कह दर्शाने के लिए? राजजी ने स्वयं कहा, और ये दर्शाने के लिए कि मैंने वाणी में कह रखा है कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ताय प्रेमे रमाऊ, सुख देऊ सुख लेऊ सुखे जगाऊ साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। यदि उन्होंने कलश में कह दिया कि सारी शोभा इंद्रावती को दे रखी है तो वही कथन मानना है। मैं भी साक्षात प्रकट होकर के कहूँ कि नहीं उसको झूठा मान लेना तो झूठा ही, तो समझ लेना कि मेरा कथन झूठा है, वाणी का कथन झूठा नहीं। इसलिए अभी तक इस घटना से शिक्षा लेते हुए सब सुंदर साथ को वही मानना चाहिए जो तारतम वाणी में कहा गया है। हाँ, उसका अर्थ करते समय अपने हृदय की अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, किसी वाद विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए। जब चौपाइयों की व्याख्या होती है तो विद्वतगण जानबूझकर अर्थों में खींचातानी करते हैं, उनका हृदय जानता है कि यह सही अर्थ नहीं है, किंतु केवल प्रेस्टिज इश्यू बन जाता है, केवल अपने अहंग के लिए खींचतान की जाती है, अपनी मान्यताओं को थोपा जाता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए, इतिहास कभी भी किसी को क्षमा नहीं करता, इतिहास सबके कार्यों का मूल्यांकन करता है। समय आता है, उगता हुआ सूरज कभी दहकता है फिर अस्ताचल को चला जाता है। इसलिए हर विद्वान को, हर समाज के अग्रगण्य व्यक्ति को, हर परमहंस को यह ध्यान रखना होगा कि उसके हर कार्य पर मूल स्वरूप की नज़र है, इतिहास की नज़र है, और मन वाणी कर्म से मिथ्या कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो आने वाले समाज के लिए घातक बन जाए। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप सच मानिए, जो ब्रह्मवाणी के कथन है उसको मानिए। राजन स्वामी तो एक साधारण सा ज्ञान के सागर में के दरवाजे के किनारे भी खड़ा होने के योग्य नहीं है। राज्य के ज्ञान के सागर की जो दौलत है, मैं तो वहाँ झाड़ू लगाने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन जो वाणी कहती है उसको मानिए, मेरे कथनों को ना मानिए। और इसलिए देश विदेश के सुंदर साथ तक, जहाँ तक भी यूट्यूब से मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करूँगा कि वाणी के कथनों पर चलें, कृष्ण और तारतम का विवाद खड़ा कर आपस में घृणा की अग्नि न चलें, क्योंकि ये घृणा की अग्नि उनके हृदय में प्रेम नहीं रहने देगी। प्रेम से हृदय सूना हो जाएगा, और जब आपका हृदय प्रेम से सूना हो जाएगा तो आपकी सुरता नहीं लगेगी, आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी। आपको अपनी आत्मा को जगाने के लिए अपने हृदय में राज्य का प्रेम भरना पड़ेगा, उसके लिए चितवनी करनी पड़ेगी। आप शब्दों के विवाद में रहेंगे, किसी शब्द से घृणा करेंगे। यदि एक पक्ष कृष्ण का नाम लेकर कट वचन बोलता है तो वो भी अनुचित है, एक पक्ष श्री जी का नाम लेकर कट वचन बोलता है तो वो भी अनुचित है। किसी नाम को लेकर, किसी स्वरूप को लेकर घृणा के शब्द नहीं बोलने चाहिए। ब्रह्मवाणी का तत्वज्ञान जो कहता है कि हमारे धनी कौन है, मूल मिलावे में विराजमान है, उन्हीं कावे स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में प्रकट होता है। वाणी क्या कहती है?
तुम्हें उतर आए अर्श से इत तुम्हें क्यों मिलाप तुम्हें दई सुध अर्श की जो अर्श में हुआ। अब इस जागने ब्रह्मांड में कौन आया है? प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म शिष्ट सिरदार ईश्वरी सृष्टि और जीव के सब आए करो दीदार। उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का दर्शन कीजिए जो महामती जी के धाम हृदय में आए उनको संत महापुरुष कभी न तोलिए। इसलिए होता क्या है संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान और उसमें भी भागवत की कथा समाज को भटकाव के मार्ग पर ले जाती है। इसलिए वो वर्ग ये प्रचारित करता है मंत्र का मुद्दा उठाता है कि मंत्र को गोपनीय रखो मंत्र को कान में कहो और 16 अक्षर का मंत्र होता है। पूछा जाए गायत्री मंत्र तो 24 अक्षरों का होता है। वेद में 7 छंद होते हैं हर छंद के 8 भेद होते हैं जिनको विच छंद कहते हैं और हर विच छंद के पुनः 7 भेद होते हैं जिसको अति छंद कहते हैं। जिन्होंने छंद पिंगलाचार्य का छंद ग्रंथ छंदो ग्रंथ देखा नहीं है वो व्याख्याकार बन जाते हैं कि 16 अक्षरों का ही मंत्र होता है इसे आगे का मंत्र नहीं होता क्योंकि वो पद्म पुराण पढ़े होते हैं जिसमें 16 अक्षरी चूड़ामण कृष्ण मंत्र का नाम होता है। अब समस्या तो यही होती है कि पद्म पुराण के सिद्धांत थोपे जाते हैं जबरन और कहा जाता है कि मंत्र केवल 16 अक्षरों का होता है। इसलिए इस विचारधारा ने सोतो अब जाहिर भाई सब विद वतन सहित को भी हटा दिया। अधूरी चौपाई कहीं थोड़े होती है देवचंद जी के तन से अधूरी चौपाई नहीं उतरी पूरी चौपाई उतरी है। यदि अधूरी चौपाई होती तो मंगलाचरण में केवल अधूरी चौपाई लिखी जाती रास में चाहे प्रकाश गुजराती में हर ग्रंथ में पूरी चौपाई लिखने का आशय क्या है कि देवचंद जी के तन से एक चौपाई उतरी थी। अब 16 अक्षरी बनाने के लिए आधी चौपाई का प्रचार किया जाता है यह केवल पौराणिकता है वास्तविक सत्य को उल्लंघन करने के समान है। इसलिए अब चर्चा सुनिए अभी केवल एक चरण हुआ था आगे की व्याख्या। जो अरस परस भीतर कह रहे हैं इश्क साहेब सो नहीं अंतर जो अरस परस भीतर। अब बताइए पूरा परम धाम क्या है? प्रेम का स्वरूप है। इश्क में क्या है? वहदत। इश्क कहाँ है? निस्बत में इश्क है। निस्बत हक की जात है निस्बत में इश्क निस्बत वास्ते इलम इत लाए बेशक। निस्बत हक की जात है। हक की जात का तात्पर्य क्या है? श्यामा जी का स्वरूप कहाँ से प्रकट है? राज्य के दिल से। सखियों का स्वरूप कहाँ प्रकट है? राज्य के दिल से। राज्य के दिल से श्यामा जी हैं सखियाँ हैं 25 पक्षियाँ हैं खूब खुशहालियाँ हैं सब कुछ राज्य के दिल से। इसलिए वहाँ राज्य के अतिरिक्त कोई भी नहीं है प्रेम के अतिरिक्त कोई नहीं है। यदि हम कहें कि परम धाम में पशु पक्षी हैं हौज कोसर है तो नहीं। अरस परस का तात्पर्य है रोम रोम में प्रेम का ही स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता जैसे आम का वृक्ष है आम के फल को सूंघेंगे तो आम की सुगंध पत्ते को सूंघेंगे तो आम की सुगंध छाल को सूंघेंगे तो आम की सुगंध। आप किसी को भी सूंघ करके कह सकते हैं चख कर कह सकते हैं कि आम है। उसी तरह से सखियों के स्वरूप को देखेंगे अंतर्दृष्टि तो क्या होगा? राज्य का स्वरूप। खूब खुशहालियों का स्वरूप किसका है? राज्य का स्वरूप। कोई अलग नहीं है सभी प्रेम के स्वरूप हैं। इसलिए परम धाम में ना अर्श जिमिए दूसरा कोई और धनावे ना ये लिख्या वेद कतिब में कोई ना ही खुदा बिनका। वहाँ परब्रह्म के अतिरिक्त राज्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है और राज्य का नक्ष सिख तक स्वरूप क्या है? प्रेम का ही स्वरूप। ए सुगम है सुहागिन यह बात यह किसको प्राप्त हो सकता है? केवल परम धाम की ब्रह्मात्माओं को। केवल परम धाम की ब्रह्मात्माएं ही जानती हैं कि परम धाम में एक प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्रेम क्या है? अभी आपने सुना प्रेम निःचल घर देता अखंड परम धाम दिलाएगा कौन? प्रेम। अब राज्य को बस में कर सकते हैं केवल प्रेम के बल पर जप के तप पर जप तप पूजा पाठ के बल पर नहीं। क्या कहा है? रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत वैष्णव अपरस आचार। योग साधना से बस में करना होता तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन ऋषियों से पूछिए मैंने मेरे पास एक महात्मा आए थे जब मैं रतनपुरी आश्रम में रहता था
वो कितना सच कह रहे हैं मैं नहीं जानता। उनके साथ कुछ शिष्य थे, उन्होंने वो घटना बताई थी कोटद्वार से आगे की घटना, कि वो किस प्रकार से वन में गए चले गए थे और भटकते भटकते गुफा में चले गए थे। वहाँ गुफा में पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ से चले कैसे आए। उन महात्माओं की आंखों की पलकें जमीन तक थी, उन्होंने पलकों को उठाकर मुझे फटकारा, मुझे अर्थात उस महात्मा जी अपना वर्णन बता रहे थे कि तुम यहाँ कैसे चले आए, तुम तो इसके योग्य नहीं थे। आग पर उन्होंने एक पत्ते को सेका, कहा कि ये खा लो और तुम यहाँ से चले जाओ। महात्मा जी ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो कहा कि आँख बंद करो, और आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि वो पुनः उसी सड़क पर थे जहाँ से भटकते भटकते गुफा में चले गए थे। और वो कौन थे, उन्होंने तो यही बताया कि वहाँ कुंभकर्ण की बहन भी थी, और वो सोचिए लाखों साल पुरानी घटना, कितना सच बोल रहे हैं, मैं इसका साक्षी नहीं हूँ, मैं इसको प्रमाणित नहीं करता हूँ, लेकिन ये तो है उन्होंने मेरे सामने ये बात कही थी और वो मैंने आपके सामने कह दिया, उनकी सत्यता की साक्षी मैं नहीं देता। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि गुफा में न जाने कितने बड़े बड़े योगी आज भी पड़े हुए हैं परमात्मा की खोज में, और आप सुंदर साथ भाग्यशाली हैं कि उन बड़े बड़े योगी अतियों को निराकार से परे की कोई सुध नहीं है, और आपको परम धाम की वाणी जबरन दी जाती है कि आप वाणी पढ़िए, चितवनी कीजिए। आपको जगाने के लिए राज जी ने नख से सिख तक परम धाम का श्रृंगार 7 बार वर्णन किया है। उन बेचारे योगी यतियों को जिनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले तक बना लिए, जिनकी आंखों की पलकें कई कई फुट लंबी हैं, उनको बेहद की कोई खुशबू नहीं मिली है। किन एक बूंद न पाया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियों खोजिया जो कावे त्रिगुण। लेकिन सुंदर साथ जागने की अंतिम वेला में यदि तारतम के नाम पर लड़ता है, शब्द के नाम पर लड़ता है कि राज्य का केवल अक्षरातीत का केवल यही नाम है, आपस में घृणा करता है, तो एक दुखद पहलू है हमारे समाज का। आज हो सकता है कि हम समय की कीमत को पहचाने, तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। हम राज्य की नख से सिख तक की शोभा को जितना बसा लेंगे, वही हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी होगा। शब्दों के जाल में या कर्मकांडों के जाल में फंसने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि परिक्रमा में एक चौपाई आती है, श्री राज उतारे बस्तर पहनी पिछौरी कमर पर। तो राज्य जब भोजन करते हैं तो अपने वस्त्र उतार देते हैं, ये मध्यकाल में परंपरा थी। राजा महाराजा जब भोजन करते थे तो वस्त्र इसलिए उतारते थे कि जूठन गिर न जाए। वो नियम तो आज लागू नहीं होता, क्योंकि कर्मकांडी लोग सोचते हैं कि हमें भी उतारना पड़ेगा, तो जो अपने अनुकूल लगता है कर्मकांड का नियम बना लेते हैं, जो अनुकूल नहीं लगता उसको चुपके से छोड़ देते हैं। इन कर्मकांडों में कुछ नहीं लगता, जो परम धाम की लीला का वर्णन किया गया है, अर्श बका वर्णन किया ले मसाला इत का। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि राजी सचमुच परम धाम में वस्त्र उतारते हैं, वो तो यहाँ के भाव को दर्शाने के लिए व्यक्त किया गया है। परम धाम में न तो कोई पदार्थ जूठा होती है न गंदगी होती है, इसलिए वहाँ वस्त्र उतारने का प्रचलन ही नहीं है। और यहाँ के मैं कई बार चर्चा में कह चुका हूँ, जब युवक युवती का विवाह होता है या कहीं भी देखेंगे तो स्त्री को हमेशा बाएँ बैठाया जाता है। तो ये कर्मकांड हमने राज्य श्यामा जी पर भी लादा है कि श्यामा जी को हमेशा बाएं ही बैठना पड़ेगा, दाएं नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये सारे कर्मकांड की बातें हैं, सत्य नहीं। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए दो आवत एक नजर। राज्य के अंदर श्यामा जी हैं, श्यामा जी के अंदर राज्य हैं, दोनों एक स्वरूप हैं। उनको दाएं या बाएं बैठाने से कुछ अंतर नहीं पड़ता, लेकिन कर्मकांडी लोगों के लिए पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए कर्म अक्षरातीत आए हैं त्रिगुण फांस के फंदों से अलग करने के लिए, उन वैष्णवों की देखा देखी उन बंधनों में फंसने के लिए नहीं। मैं सभी सुंदर साथ से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि अब शरीयत के दीवारों को तोड़ने के लिए सबको सन्नद्ध रहना पड़ेगा। सेवा पूजा छोटे बच्चों से कराइए, आपकी उम्र यदि 15 वर्ष से अधिक हो गई है तो वाणी चिंतन में लगिए, चितवनी में लगिए, सारे संसार को परम धाम की राह दिखाइए। बीतक में क्या लिखा है,
आप देखो औरों को दिखाओ। अब ये कब होगा? यदि केवल नाम का जप, माला का जप, मंत्र का जप ही चलता रहेगा, पूजा पाठ परिक्रमा ही होती रहेगी, तो चितवनी कब करेंगे? कब अपनी आत्मा को जागृत करेंगे? शब्दों के नाम में लड़ने से आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा। हम घृणा की अग्नि को जितना बढ़ाएंगे, वह अग्नि हमें ही जलाएगी। इसलिए प्रेम की उस पवित्र डगर पर चलिए। वह प्रेम जो अक्षरातीत का हृदय है, किसी से भी आप घृणा न रखिए। जो आप पर पत्थर मारता है, उस पर भी फूल फेंकिए। फूल को तो फूल है, वह को है त्रिशूल। कोई भी सुंदर साज, किसी भी विचारधारा का हो, कहीं का रहने वाला हो, किसी भी मंत्र को मानता हो, उससे किसी प्रकार की घृणा न रखिए। आप परम धाम के हैं, परम धाम की दृष्टि से देखिए। आत्म सौनी एकदि से जुजवी तदि से दे। हम जिससे घृणा करते हैं कि वह उस तारतम को मानता है, वह उस नाम को मानता है, यदि उसके अंदर परम धाम की आत्मा होगी तो आप किससे घृणा कर रहे हैं? ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए चाहे कोई किसी भी विचारधारा का हो, वो प्रेम करे, अपने हृदय में राज्य के लिए प्रेम रखे। परम धाम सबका एक है, वाणी सबकी एक है, राज्य सबके एक हैं। इसलिए अपनी आत्मा को विवादों से परे रखकर केवल प्रेम के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यही मेरा निवेदन। अब जब इश्क साहेब सो नाही अंतर, जो अरश परश भीतर, ए सुगम है सुहागिना, जाको अंकुर याही वतन, जाको अंकुर याही वताना।